भारतीय कप्तान विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ जीत के बाद कहा कि खिलाड़ियों का दिल और दिमाग पहले से ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी सीरीज पर लगा है, जिसका पहला टेस्ट मैच 23 फरवरी से पुणे में खेला जाएगा। कोहली ने कहा कि टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की सीरीज में इस सत्र में अब तक के अच्छे प्रदर्शन की ओर आगे बढ़ना चाहती है। कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में भारत की 208 रनों से जीत के बाद कहा, हमारे लिए इस सत्र में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज काफी बड़ी थी, लेकिन हमने उसे 4-0 से जीता और हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसे मजबूती प्रदान करना चाहते हैं। हर किसी का दिल और दिमाग उस सीरीज पर लगा है। भारतीय टीम को बांग्लादेश को दो बार आउट करने के लिए संघर्ष करना पड़ा और मैच पांचवें दिन चाय के विश्राम से कुछ देर पहले समाप्त हुआ। लगातार चार टेस्ट सीरीज में दोहरे शतक जड़ने का नया रिकॉर्ड बनाने वाले कोहली ने बल्लेबाजों के लिए अनुकूल पिच पर अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन की तारीफ की। उन्होंने कहा, निश्चित तौर पर यह बल्लेबाजी के लिए अच्छा विकेट था, टॉस जीतना अच्छा रहा और बड़ा स्कोर खड़ा करने में मदद मिली। बांग्लादेश ने पहली पारी में अच्छी बल्लेबाजी की, हम अपनी रणनीति को अच्छी तरह से लागू करना चाहते थे। हमें अभी एक बड़ी सीरीज खेलनी है और गेंदबाज लय में हैं। कुल मिलाकर ये हमारे लिए अच्छा मैच रहा, मैन ऑफ द मैच बने कोहली ने कहा। गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को आउट करने का तरीका निकाला, जिससे हमारी टीम के जज्बे का पता चलता है। हम अति उत्साह में नहीं आए, ईशांत का स्पेल बेजोड़ था। यदि आपके पास दो विश्व स्तरीय स्पिनर हों, तो आप तेज गेंदबाजों को गेंदबाजी करने के लिए कह सकते हैं, तथा उनके और स्पिनरों के बीच भागीदारी शानदार रही। उमेश वास्तव में शानदार गेंदबाजी कर रहा है। बांग्लादेश ने दुनिया की नंबर एक टेस्ट टीम के खिलाफ अच्छा मुकाबला किया, लेकिन उसके कप्तान मुशफिकुर रहीम ने कहा कि अगर उन्होंने अवसरों को भुनाया होता तो कहानी अलग होती। रहीम ने कहा, हमने गेंदबाजी में कई अवसर पैदा किए, यदि हम भारत को 550 या 600 पर रोक लेते तो हमारे पास मौका होता। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना आसान नहीं था, भारत के पास कई विकल्प थे, केवल स्पिनर ही नहीं बल्कि तेज गेंदबाजों के मामले में भी। उम्मीद है कि खिलाड़ी इससे सबक लेंगे और भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा, मुझे वास्तव में अपने खिलाड़ियों पर गर्व है, यहाँ तक कि निचले क्रम के बल्लेबाजों ने जज्बा दिखाया। हमें छोटी छोटी चीजों में सुधार करने की जरूरत है। अभी श्रीलंका में दो मैच खेलने हैं, उम्मीद है कि हम वहाँ मौकों का फायदा उठाएंगे। हमने प्रत्येक पारी में 100 से अधिक ओवर खेले तथा मेहंदी हसन ने अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी की, तैजुल इस्लाम ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारा क्षेत्ररक्षण अच्छा रहा। आपको बता दें कि टीम इंडिया ने बांग्लादेश को एकमात्र टेस्ट की सीरीज में करारी हार दी है, वो भी उस वक्त जब ऑस्ट्रेलियाई टीम जल्द ही भारत में चार टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने आ रही है।